तो हम GoPro ले आए हैं, अब इसी से वीडियो पूरा शूट होगा। सैटरडे मॉर्निंग एंड मैं अपना तैयार हो चुका हूँ, नहा धो के आराम से, एंड ये लड़की अभी जस्ट उठ रही है। देखो आलसी लड़की। राहुल इसलिए जल्दी उठे हैं क्योंकि राहुल को कुछ काम करने जाना है, एंड इसीलिए, वरना डेली हमेशा तुम्हारा 10 बजे 9 बजे ऐसे ही रहता है ना। गुड मॉर्निंग। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, एंड आई एम गोइंग टू मेक ब्रेकफास्ट, और आज के ब्रेकफास्ट में हम बनाएंगे पैनकेक्स। लेट्स गो। पैनकेक्स की रेसिपी मैंने अपने कुकिंग चैनल पे भी शेयर की हुई है, सो यू गाइस कैन वॉच इट। आई विल मेंशन द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो ये बन गया है पैनकेक का मिक्सचर। ये देखो ऐसी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, तवे पे जाके ना ज़्यादा फैले ना ज़्यादा ठहरे। तो ऐसे बार में हम लोग हर वीकेंड अपने घर जाते हैं, तो इस वीकेंड में जा रहे हैं और वहाँ पर इस बार गुड्डू और अमन भी आ रहे हैं। सेंटर नहीं हुआ ढंग से और अजीब से लग रहा है, खोल लूंगी अभी, मजा नहीं आ रहा। हमेशा हाथ में रहता है। हाँ तो काम बहुत रहता है। काम 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 कौन करेगा। हम इसी से बनाते रहेंगे हम वीडियो अपने सर से। GoPro मत लेना, ये इतना सूट मुझे लूज हो गया या मैं एकदम पतली हो गई और बहुत लूज आ रहे हैं, बहुत ही ज्यादा। वैसे पहले भी थोड़ा लूज था बट अब तो मुझे बहुत ही ज्यादा लग रहा है, ब्लड बाकी इसने बड़ा लिया है इसने ताकि इसमें लूज आए। तो कुछ नहीं है, मैंने कोई बड़ा बड़ा नहीं लिया है, नॉर्मल साइज लिया था एम, लेकिन वर्कआउट कुछ तो असर करेगा। तो हम GoPro ले आए हैं, अब इसी से वीडियो पूरा शूट होगा, तो होपफुली इस बार अच्छे सिनेमैटिक शॉट्स टाइप का कुछ वीडियो आएगा। ये सिनेमैटिक नहीं, बेसिकली थोड़ा सा वाइड एंगल है, ये बहुत दिन से मेरे सर के पास पड़ा हुआ था तो अभी मैं उनसे लेके आया हूँ। और यहाँ पर एक रोड क्रॉस करनी थी, आई वेटेड फॉर एट ऑलमोस्ट 5 मिनट्स। भाई लोगों में इतना सेंस नहीं है, एक बंदा ऐसा नहीं है जो गाड़ी स्लो कर ले एटलीस्ट, कि ठीक है यार कोई बंदा क्रॉस कर रहा था एटलीस्ट स्लो कर लो, नहीं बल्कि लोग और स्पीड कर लेते हैं कि मैं पहले निकल जाऊं। हाँ ये मुझे भी नहीं समझ में आता है कि ऐसा क्यों है कि मतलब हाँ कोई अगर खड़ा है तो उसको देख के गाड़ी स्लो नहीं कर सकते हैं कि कोई क्या पता किसी को क्या अर्जेंसी हो, थोड़ा जल्दी जाना हो। नहीं हम लोग वी बीइंग यंग फिर भी वो डिसीजन कैपेबिलिटीज हैं कि कब क्रॉस करना है कब नहीं करना, बट अगर कोई तो एजेड ओल्ड बंदा हो तो ही गेट्स कंफ्यूज कि भाई क्या करे इतना इतनी स्पीड में कोई बंदा आ रहा है। सो वो थोड़ा सा सेंस होना चाहिए लोगों के अंदर कि इफ यू सी समबडी जस्ट एटलीस्ट स्लो डाउन योर व्हीकल तो बंदा निकल जाए। एंड द वर्स्ट पार्ट इज बेसिकली वहाँ पे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, वहाँ पे लोग खड़े होते हैं क्रॉस करने के लिए, बट स्टिल लोगों में सेंस नहीं कि वहाँ पे लोग थोड़ा स्लो करके निकले। वो तो रेड लाइट वाला हाल है ना, कि रेड लाइट होगी तभी हम रुकेंगे और तभी हम किसी को जाने देंगे। चीता है लोग यहाँ पे, यहाँ पे इतना बुरा हाल है। ये मेट्रो स्टेशन बना था विनोद नगर का, आज तक बना ही नहीं है, ये पूरा कंस्ट्रक्शन हो गया, मेट्रो भी खड़ी है। इस पे क्रॉस नहीं करती ना, यहाँ से मेट्रो जाती है क्या? एक्टिव नहीं है ना ये वाला मेट्रो स्टेशन, वहाँ पर फ्लैश मार्केट है। हाँ। So, इसलिए वहाँ पर मोस्टली स्टील कौवे घूमते रहते हैं। फ्लैश मार्केट नहीं है, कूड़ादान है। नहीं, कूड़ादान भी है, प्लस फ्लैश मार्केट भी। अच्छा, सो इतना बड़ा कूड़ेदान है दिल्ली का यहाँ पे, उनके जितने घर है, घरों से निकलना भी मुझे लगता है उस टाइम पे सेफ नहीं होता। लोग तो सारे मूव कर चुके हैं वहाँ पे, मतलब इट्स लाइक नहीं, काफी लोग अभी भी रह रहे हैं ना, जो लोग वहाँ पे नहीं मूव कर सकते तो रहेंगे, बट अब हर किसी छत पे एटलीस्ट 20 से 30 ईगल या क्रोज है वहाँ पर, बहुत बहुत ही ज्यादा गंदा, मतलब वो चील कौवे आपको दिख जाएंगे दूर से ही, और वो एक्चुअली देखने में बहुत स्केरी है भाई। मुझे नहीं लगता वहाँ पे अच्छे से लोग रह पाते होंगे, बट मजबूरी है, रहना है तो रहना पड़ रहा है। Thank you.
पक गई है दीवार से, इधर जाना तरफ से आना पड़ेगा। क्या हुआ? क्या हुआ? इन्होंने पहले गेस्ट कर लिया था कि हम आ गए। भैया की खुशबू सूंघी। हेलो। नीचे से ही पता चला आ गए। यस। देखो हम क्या लिखा है। मैंने खोला तो सच में आ गए। बोला आपको कैसे पता चला? तो मुझे अंदर से पता चल रहा है। ये नीचे से ही मैंने गेट खोला और मैंने कहा ओहो पता चल गया। भैया की खुशबू आ गई। पापा नहीं है? पापा नहीं है। चलो चलो वो बस है भाई। वो प्रो बहुत गैजेट है भाई के पास। तो दिखा नहीं। वो तो 8 है ना? 7 7 7 7 ये तो कभी नहीं देखा। अतुल के बेटा? नहीं 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 नहीं, वो तो था ही अच्छा। वो भी अच्छा था। उसके नेक्स्ट लास्ट वाला भी मुझे बढ़िया लगा। वो भैया की वजह से बहुत सही लगा मुझे। बंदा घूम रहा झाड़ू लेके हर जगह भाई। जो की हमारे घर में एक चेयर थी जिसके ऊपर आ रहे सब रखा होता था। इसे काट के इस वाले लेन को, इसको काट के लीक को मुझे दे दो। नहीं। हाँ नहीं सीधा नहीं सीधा नहीं 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 मना कर दिया सीधा के नहीं देना। ओ भाई राहुल तुम थे ना वहाँ पे उस दिन? तुम थे ना उस दिन वहाँ पे जब मैंने मम्मी को इतने सारे प्लांट और गमले दिए? बहुत फर्क है। हम मैं भी इसी में देती हूँ। मैं भी इसी में देती हूँ। हाँ हम खराब गार्डन नहीं है। हम क्या करें? हाँ दवाइयाँ डाल रहे हैं सुबह शाम अंदर बाहर रख रहे हैं उनको। क्या करें? मस्त बारिश हो रही है। अब सही लग रहा है। ये दोनों तरफ आ गया ना, इस तरफ से भी बढ़ना शुरू हो गया, वो उधर से भी बढ़ना शुरू हो गया। ऐसे एक बार लपेट के लगाए होते ना। वहाँ पे चाय बन रही है। तुम लोग घर थोड़ी जाओगे? अभी जाओगे रात को घर जाओगे? तो फिर ये माउस और वो किस लिए है? कीबोर्ड नहीं जाएंगे, रात भर खेलेंगे। देख रहे हो गुड्डू ने क्या पहना हुआ है? ये इनकी नई शादी हुई है कहीं से लग रही है। ये इनकी 6 महीने पहले नई शादी जाएगा ये वीडियो में। देखो इसको, इसकी नई शादी हुई है। इसकी नई शादी में ये हाल है इनके। ये आजकल की बच्चियाँ आजकल की क्या उन्हें घर वाला फील आ गया इनको। ओके सो अभी हम बनाने जा रहे हैं पाव भाजी। एंड इसको देखो, इसके कपड़े नहीं बदले कितना भी बोल लो। तो यह पाव भाजी की तैयारी हो रही है। चलो लेट्स गो फॉलो द रेसिपी बाय द फ्रेंड्स किचन। हमारी प्यूरी का सामान तैयार हो गया और सब्जियां बॉईल हो रही है। उसके बाद मिल्क स्टार्ट है, देखते हैं कैसे बनती है। मैंने एक्चुअली बहुत फाइन नहीं पेस्ट बनाया, नॉर्मल पेस्ट बनाया। और ये आपको इसका वीडियो देखना हो तो द फ्रेंड्स किचन का वीडियो है। मैं भी वहीं से रिकमेंड कर, मतलब देख देख के बना रही हूं। उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे तो आप पास देख लेना। मैंने बिल्कुल एकदम देख के बनाया। थोड़ी बहुत सब्जियां वगैरह इधर उधर हुई होगी बस, बाकी सब जिंजर गार्लिक पेस्ट चाहिए हमें। जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐसे कोई आया ना। वाह, ये बन रहा है हमारा। ये
क्या बना रहे हो पाव भाजी बनाऊंगा मैं। पाव भाजी ये इसको बिल्कुल मैश करना है, स्मूथ करना है, एकदम स्मूथ करना है। और ये लगी हुई है सांस में, इसमें थोड़ा बटर डालो ताकि स्मूथ हो। और डाल दी मैंने बटर, अभी बस पानी डालना है। देखो सारे के सारे यहाँ पे सिर्फ बैठे हुए मजे ले रहे हैं। यहाँ एक अबला नाली लगी हुई है, हम वेट कर रहे हैं कि कब भाभी टेस्टी पाव भाजी खिलाएंगी। मैं वेट कर रही हूँ कभी कपड़े चेंज करेगी। पाव भाजी बन चुकी है, सब खा चुके, खाना शुरू कर चुके हैं। तो रिव्यूज बताओ एक एक करके गुड्डू। ओके लेट मी टेस्ट। ये तो बहुत नाटक हो रहा है इसके। अमन सच बताओ बहुत टेस्टी है मम्मी, मस्त है, बहुत टेस्टी, ये बहुत टेस्टी बनी है। तो आप लोग भी फ्रेंड द फ्रेंड किचन की रेसिपी ट्राई करो। कैसी बनी है? बहुत अच्छी बनी है, वेरी नाइस ना, बहुत अच्छी है। ये पापा की ट्रीट है आज, सब कुल भी खा रहे हैं और वैसे ये लोग सब डाइट। मेरे को शूट कर दे, अब तो तुमने कपड़े चेंज कर लिए गुड्डू। ये वही लड़की है जो इसने अभी ऐसे झमले में घूम रही थी, अभी भी मैं ऐसे ही घूम रही हूं। ये लोग कीबोर्ड की गिर रही है सारी, ये नहीं गिरनी चाहिए, चश्मा वश्मा चल जाएगा सब। चलो 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 चलो, बहुत दिन हो गए, सो वी आर गोइंग बैक। अच्छा चलो, गुड्डू चलो, भाई गुड मॉर्निंग, संडे मॉर्निंग, सो आज कुछ नहीं करना है, सिर्फ पड़े रहना है, बिकॉज कल हम लोग रात भर बात करते रहे और सुबह मैं आज उठा हूँ 11 बजे। एंड आज ये बालकनी ठीक करनी है, ये आज मैं ठीक करूँगा। सो दिस इज इट गाइज, सी यू नेक्स्ट वीक, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, हैव फन, बाय।